नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल की पवित्र नगरी में धूमधाम से हुई मां लक्ष्मी प्रतिमाओं की स्थापना। पवित्र नगरी मुलताई में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष नगर सहित पूरे क्षेत्र में अधिक लक्ष्मी प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है, जिससे मूर्तिकारों ने भी एक से बढ़कर एक लक्ष्मी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। लक्ष्मी मंडलों के द्वारा नगर में गाजे बाजे के साथ प्रतिमाएं स्थापना स्थल पर ले जाई गई। दोपहर से लेकर देर रात तक मंडलों में प्रतिमाओं की विधि विधान से स्थापना की गई। मंडलों के सदस्यों ने बताया कि धनतेरस से लक्ष्मी प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, जिनका 10 दिनों तक विधि विधान से पूजन के उपरांत विसर्जन किया जाता है। इस दौरान आकर्षक पंडाल तैयार कर साज सज्जा की जाती है तथा मैया के भजन गूंजते रहते हैं। सुबह शाम आरती में बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। नगर में इस वर्ष पुराने स्थलों के साथ ही नए स्थलों पर भी मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। विवेकानंद वार्ड में हरीश बेलदार के निवास पर विगत 17 वर्षों से मां लक्ष्मी की स्थापना हो रही है। यह मां लक्ष्मी स्थापना दिवस प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है, जिसमें नगर के भक्त लोग शामिल होंगे। मां लक्ष्मी वैभव की अपनी एक कथा है। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी की स्थापना करने से धन धन्य वैभव की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर विगत 17 वर्षों से विवेकानंद वार्ड में बेलदार मोहल्ले में लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग शामिल होते हैं। ये लक्ष्मी जी की स्थापना 3 दिवस के लिए की जाती है, उसके बाद विधिवत पूजा पाठ विधान के साथ इसका हर्षोल्लास के साथ विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया जाता है, जिसे श्रद्धालु भक्त बड़े आदर प्रेम से ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर सभी लोगों में क्षेत्र के सुख समृद्धि वैभव की प्रार्थना की। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।